अभी मैंने रिसेंट में अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाला था कि बताओ किस किस के साथ ऐसा होता है कि पहले ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद में टारगेट तक प्राइस चला जाता है तो हमें वो रिग्रेट भी होता है। तो मेरे ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा बंदों ने कहा था कि यस सर हमारे साथ ये दिक्कत होती है, सबने इस पर रिएक्ट भी करा था। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं, तो सेम डे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको वीडियो, ये कल तक मिल जाने वाली है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो मार्केट में बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडर मैंने जैसे कि लिख रखा है। अब मार्केट में दिक्कत क्या होती है, बेसिकली मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली है, आपने यहाँ पे एंट्री ली है, आपका टारगेट है ये, फॉर एग्जांपल आपका टारगेट कुछ ऐसा ही होता है। अभी हम ऊपर साइड का सिनेरियो ले रहे हैं, फिर क्या होता है, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे है, आपने यहाँ पे एंट्री बना ली और आपने स्टॉप लॉस लगा लिया यहाँ का कि अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो यहाँ पे मैं निकल जाने वाला हूँ। तो प्राइस पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करेगा, आपको दुखी करेगा और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। आप सोचोगे यार चलो निकल जाते हैं, वरना नहीं निकलेंगे तो क्या पता प्राइस यहाँ तक आ जाएगा और हमारा जो अभी लॉस 2,000 रुपये का है वो यहाँ पे 5,000 रुपये का चला जाएगा, इससे अच्छा भी निकल जाते हैं। तो आपने अपना डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह आपने यहाँ पे 2,000 रुपये का जो अपना लॉस है बुक कर लिया। उसके बाद में क्या देखते हो कि यहाँ से ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे करते 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 वो ऊपर सर्किट मारेगा और हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे देखते रहेंगे और वो हमारा टारगेट अचीव कर लेगा। अब हमने तो 2,000 रुपये इस ट्रेड को दिए हैं और आप भी सोचोगे कि मैंने खरीदा था मान लो 15 पर और ये अभी आप इसका प्राइस देखोगे, ऑप्शन का प्राइस ये हो गया 50, तो यानी हमने 3,500 रुपये बना लेते हैं यहाँ पे और हमने क्या करा 15 का इसको 5 में बेच दिया, 10 रुपये हमने इधर लॉस भी करा है। तो आपने 10 रुपये का यहाँ पे लॉस कर दिया और वरना अगर आप होल्ड करते तो आपका इतना टारगेट होता। बट आपकी बात भी सही है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें निकलना चाहिए। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है वो हर एक ट्रेडर की होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ था और उसके बाद में इसने यहाँ से प्राइस ने एकदम मूव लिया बड़ा। तो मेरी बात ध्यान से समझना एक बार के लिए, अभी बताऊँ कैसे होता है। अगर आप एंट्री यहाँ पे ना करके यहाँ पे एंट्री कर लेते, अगर आप एंट्री यहां नहीं करते यहां पे कर लेते तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता? द आंसर इज नो, आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता। अगर आपकी एंट्री यहां होती तो आप क्या करते, डायरेक्ट अपना टारगेट तक जाते, फिर आप कभी नहीं रोते कि यार ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। तो इसका मतलब मार्केट में गलती नहीं है, गलती हम में है, हम अपनी सही एंट्री नहीं पकड़ पा रहे। तो आपको अपने आप को ब्लेम करना है और सीखना है। अब क्या सीखना है, कैसे सीखना है, वो तुम्हारा भाई तुम्हें अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर समझा देगा। बट ये समझो कि जो एंट्री है ना वो हमने ही तो गलत ली है। अगर हम एंट्री यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जांपल और सोचते हैं कि ऊपर जाएगा प्राइस, तो क्यों जाएगा ऊपर प्राइस, क्योंकि प्राइस तो पहले ही अपना 10 से 50 पे आ चुका है प्राइस। तो अब ये थोड़ा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे लोग। अब मान लीजिए यहाँ पे 30 है, फिर 30 से दोबारा क्या होता है, ये 60 तक जा सकता है। बट हमारी एंट्री गलत होती है और हम मार्केट को बोलते हैं कि सर हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद में देखते हैं प्राइस ऊपर चला जाता है, क्योंकि हमारा एंट्री, हमारा जो मार्केट में जाने का हमारा जो बाइंग प्राइस है वो ही गलत है। सो इस वीडियो में उसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आया मेरा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। कि अभी तक आपने सोचा था कि यार गलती तो हमारी है, हम एंट्री गलत देते हैं, आपको हमेशा ये लगता है कि यार मेरे साथ ही मार्केट ऐसे करती है, हमेशा ऐसे हो जाता है, मैं जहां पर बाय करता हूँ नीचे आ जाता है। अरे भाई आपकी एंट्री गलत है, ठीक है। अब तीन चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ सॉल्यूशन पे जाने से पहले, तीन चीज। नंबर वन की 100% मार्केट में कोई भी चीज सही नहीं होती है, यानी मैं आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं देने वाला कि आप ये वाला इंडिकेटर लगा लेना, अपने पानी में ये मिला के पी लेना और सोने से पहले ये चीज कर लेना, उसके बाद में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो यानी मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से गेम खेलना पड़ता है। आपको अगर 10 बार ट्रेड ले रहे हो तो 10 में से 7 बार तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए, 3 बार आपका लॉस होगा। सो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। कोई भी माइकल लाल, मेरे भी 10 में से 10 ट्रेड कभी ठीक ही नहीं गए जिंदगी में। सो ये तो आपका वहम निकाल दो। तो 100% कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती। तो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, उसके बाद में आपको रिजल्ट देगी। सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पे जो मनी है वो एक की जेब से दूसरे की जेब में जाता है। कैसे? मान लीजिए मेरे जेब में आज मैं मार्केट में आया हूँ 10,000 रुपये लेके आया हूँ, तो कोई मेरे 10,000 रुपये लेने के लिए आया है, क्योंकि हम आते तो कमाने के लिए हैं। तो यानी एक की जेब से दूसरे की जेब में पैसा जाता है, ठीक है। तो क्या आप अभी भीड़ में खड़े हो, आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, तो क्या आप ऐसे खड़े हो जाओगे आ जाओ भैया ले जाओ 1,00,000 रुपये ले जाओ? नहीं ना, आप उसको टाइट रखोगे, आप आधे पैसे यहाँ रखोगे, आप आधे पैसे यहाँ रखोगे। तो सेम एज मार्केट, क्या मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ही पैसा आपके पास आता है, हर कोई पैसा हराना नहीं चाहता। तो यानी
है कि एक की जेब से दूसरे की जेब में पैसा जा रहा है। तो जो चीज सब कर रहे हैं वो चीज करने से आपका पैसा बन जाएगा? द आंसर इज नो। यानी आपको लग रहा है कि ये रेंज है, आपको लग रहा है कि ये रेंज है और यहां पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, तो ये ब्रेकआउट तो पूरी दुनिया को दिख रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे तो सारे लोग आ जाएंगे, तो क्या यहाँ पे पैसा बनेगा? आप यहाँ से हट ही जाओ कि यहाँ तो पैसा बनना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पहले रेंज में था अब ब्रेकआउट मिला है, तो इसका मतलब कि ये जो है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो हमने क्या आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पे पैसा एक की जेब से दूसरी जेब में जाता है, तो यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल है। दूसरी चीज़ की जो चीज़ें सबको दिख रही है वो तो कभी आपको पैसा बना के ही नहीं देगी। अब क्या चीज़ पैसा बना के देगी उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप ना, आपको इतना अच्छा यहाँ पे कंटेंट मिला, आपको मैंने इतना अच्छे से समझाया अभी तक, क्या किसी ने अभी तक इतना अच्छा समझाया फ्री में? आप बोलोगे नहीं समझाया, तो आप क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों आप वीडियो को लाइक नहीं करते? अगर मैं यही चीज़ आपको 1000 रुपये एक कोर्स बना के, एक वीडियो बना के 1000 रुपये उस पर रख देता हूँ, उसके बाद में आपको बेचता हूँ, तो आप उसकी इतनी वैल्यू करोगे, अरे सर 1000 रुपये में क्या दे दिया, क्या दे दिया, क्या दे दिया, बट आप इसकी वैल्यू करते नहीं हो। सो मैं आपको बताता हूँ, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, जो कि हकीकत में ट्रेडर्स की दिक्कत होती है। सो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हमें एंट्री लेनी है, कैसे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे हम अपना टारगेट बुक करेंगे। सो आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं यूज करता हूं धन की एप्लीकेशन, क्योंकि आप सभी जानते हो ट्रेडिंग व्यू के जितने भी प्रीमियम फीचर है वो यहाँ पे हमें फ्री में मिल जाते हैं, तो हम क्यों ना इसका यूज करें, अदरवाइज हमें साल का 10,000 रुपये पे करना पड़ता एक साल का ट्रेडिंग व्यू में। अब वो सारी चीज अगर हमारी फ्री हो रही है तो दिक्कत क्या है, और बदले में हमें ओनली धन में अकाउंट बनाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जा रहा है ना, तो मैं जो फ्री में मिल रहा है वो तो फ्री में लेना ही चाहिए। अब आपने क्या समझा वीडियो में अभी तक? आपने अभी तक ये चीज समझी है कि हमारी एंट्री गलत होती है। अब एंट्री सही करना कैसे हम कर सकते हैं, हमारी एंट्री सही कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो अपना टाइम फ्रेम है वो 5 कर लेता हूं, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हम बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग को प्लान करते हैं। अब हमारी दिक्कत क्या होती है, हमारी गलती क्या होती है, वो समझो कि हम गलत एंट्री लेते हैं। गलत एंट्री का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, हाँ जैसे ये देख लो, अब ये मान लो मेरे को लॉन्ग ट्रेड लेनी थी, तो ये वाली ट्रेड है मान लीजिए अब, ठीक है, तो इस वाली ट्रेड में देखो गलती क्या है हमारी, गलती समझो हमारी, पहले तो ये वाली जो ट्रेड है इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ले ली, हमारा स्टॉप लॉस हमने मान लिया कि चलो इतना स्टॉप लॉस ले लेते हैं, उसके बाद में प्राइस ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कराया, उसके बाद में मूव दे दिया जैसे कि आपको दिख रहा है चार्ट पे। अब दिक्कत क्या है पता है, हमारी एंट्री हमने गलत ली। अगर हम अपनी एंट्री यहाँ पे ले लेते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंट्री यहाँ पे लेते तो बस एंट्री ली और टारगेट अपना हिट हो जाता, तो हमें अपनी एंट्री को सुधारना है। तो अब जब हम ट्रेड प्लान करते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी एक रेंज में प्राइस चल रहा होता है और उसके बाद में हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो जब भी ब्रेकआउट मिल रहा हो आपको वहां पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि वहां पे हमारे साथ क्या होगा, एक स्कैम हो जाएगा। कैसे? हमें लगेगा कि ऊपर की साइड मूव आ रहा है, बट वो मूव ऊपर की साइड दिखा के जितने भी पूरी दुनिया के ट्रेडर हैं उनसे सी बाय करवा लेगा और मूव आ जाएगा डाउन साइड का। तो आपको कैसे कंफर्म करना है कि ये सच में ब्रेकआउट है या फिर ये सच में बस हमें बुलाया है, उसके बाद में दोबारा नीचे आ जाएगा प्राइस, उसके लिए आप यूज करते हो रीटेस्ट का। यस, रीटेस्ट नंबर 1 तरीका है। मान लीजिए आपने ये रेंज है, ये आपने रेंज ड्रॉ कर ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मान लीजिए ये जो रेंज है इस रेंज का यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, तो इस ब्रेकआउट के बाद में लोग क्या करेंगे, सी बाय कर लेंगे, बट आपको सी नहीं बाय करना क्योंकि आप अंकुश शर्मा के चैनल पर हो। आपको यहाँ पे 2 चीज ऑब्जर्व करनी है, वो 2 चीज कौन सी ऑब्जर्व करनी है? नंबर 1 आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो ये ब्रेकआउट दिया है उसके बाद में प्राइस यहाँ पे कितने देर सस्टेन कर रहा है, क्योंकि कभी भी लगातार प्राइस ऊपर नहीं जाता, ये आपका वहम है कि लगातार प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपने कभी बस को देखा है क्या, बस कभी खाली बस कभी गई है? नहीं ना, पहले बस क्या करती है, अपने स्टॉप पे जाके खड़ी होती है, उसके बाद में लोगों को बुलाती है, फिर क्या करेगा, जितने भी बिना टिकट वाले लोग हैं, बिना टिकट वाले जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, पहले उनको उतार के आएगी पीछे जाके, यानी पहले वो नीचे जाएगा प्राइस, फिर उनको डराएगा, तो जिन लोगों को स्टॉप लॉस लेना है वो अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, यानी कि रिटेस्ट हो गया। अब रिटेस्ट हो गया, अब जब दोबारा ये प्राइस जाएगा, अब बस उस बस में वही लोग जाएंगे
जिन्होंने अपनी टिकट बुक करा रखी है, यानी कि जो एक्सपीरियंस है जिन्होंने सीख रखा है, तो पहले जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री ली थी वो यहाँ पे निकल जाएंगे क्योंकि उनका स्टॉप लॉस शूट हो गया। फिर जब वो रीटेस्ट के बाद में यहाँ पे दोबारा बस अपने स्टॉप पे लगेगी, यानी जब प्राइस दोबारा यहाँ पे आएगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे जिन्होंने टिकट कटा ली जो सीख के आ रहे हैं, और फिर वो ऐसे करके अपना टारगेट तक जाएंगे। तो नंबर वन आपने समझा अभी ब्रेकआउट का सिनेरियो कि ब्रेकआउट में हम क्या सिस्टम करते हैं। अब दूसरा एक तो होता है ब्रेकआउट का, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग, यानी नॉर्मल ही अपना कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, वहां पे भी ये सिनेरियो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको ये देखना है, मान लीजिए अभी एक प्राइस है ऐसे करके नीचे आया, फॉर एग्जाम्पल ये अपना रेजिस्टेंस था, नीचे आया फिर ये दोबारा ऊपर गया फिर ये नीचे आया, तो हमें बुक में क्या सिखाया है, बुक में सिखाया है कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास आए अपने को पी बाय करना है, जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आए अपने को सी बाय करना है। बट आपको रियलिटी में बताता हूँ, मार्केट दिन ब दिन हार्ड होता जा रहा है, मार्केट दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, तो हमें क्या इलाज करना पड़ेगा, अपने को देखना है कि कहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है। ट्रैपिंग, हाँ जी, आपने मेरे चैनल पे एक नया नाम सुना होगा ट्रैपिंग, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी बात नहीं करी, क्योंकि अगर आप तभी इस चीज को समझ सकते हो जब आपको टेक्निकल आते होंगे, टेक्निकल्स आते होंगे, और लोग टेक्निकल्स नहीं जानते, तो टेक्निकल्स का मतलब होता है जैसे प्राइजेक्शन आपको आता हो, या फिर आपको कोई स्ट्रेटजी आती हो, आपको कैंडल्स रीड करनी आती हो, आपको चार्ट पैटर्न्स आते हो, जब आपको ये सारी चीजें आएंगी उसके बाद आप ट्रैपिंग की कहानी समझ जाओगे। अब ट्रैपिंग की कहानी क्या होती है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे है, ऊपर गया ये नीचे आया, ऊपर गया ये नीचे आया, तो अब प्राइस हर बार नीचे आ रहा है ना, तो आपका मतलब ये नहीं है कि अब जब प्राइस दोबारा जाएगा तब भी ये नीचे आने वाला है। आपको यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट पी बाय करते हो तो आप गलत हो, आप कभी ना कभी मार्केट बड़ा लॉस करवा जाओगे। अब हम कैसे इस लॉस से बच सकते हैं उसका प्रोसेस बताता हूँ आपको। जैसे ही प्राइस यहाँ पे था उसके बाद में जैसे ऊपर जाएगा आपको देखना है क्या इसने यहाँ से सी वालों को बिठाया है, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाना है आपको, तो पहले पैसा कोई डालेगा ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई सी बाय कर रहा है, उसने यहाँ पे पी उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ से वो पी बाय कर रहा है, यहाँ पे उसने दोबारा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ऐसे तो मार्केट चलेगी नहीं, मार्केट में पैसा लाना पड़ेगा मूव लाने के लिए। क्योंकि मार्केट में अगर मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए डाल रहा है, फिर हम उसका स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, और तभी तो उसकी जेब से 10 लाख रुपए जाएंगे, और वो 10 लाख रुपए कौन कमाएंगे, जो कि लर्निंग, जिन्होंने सीख के काम करा है। यहाँ पे ये बेसिक्स होते हैं मार्केट के, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल होके मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपने जैसे ये आया, अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है रेंज का, तो यहाँ पे सारे लोग जो कि किताब से आते हैं, जो कि बुकिश नॉलेज से आते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे सी बाय कर लेंगे, सिंपल सा बस सी बाय करा और काम खत्म करा। बट आपको यहाँ पे सी बाय नहीं करना, अगर ये रीटेस्ट आता है उसके बाद में दोबारा ये जाता है तो आप यहाँ पे सी बाय कर लेना, अदरवाइज पी साइड का सबसे बड़ा ट्रेड पता है कब मिलेगा, जब ये ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, यानी फॉल्स ने ब्रेकआउट ले लिया, यहाँ पे सी वाले लोगों ने एंट्री कर ली, अब आएगा ये नीचे धड़ाम धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ गिरते गिरते यहाँ तक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे पैसा आ गया लोगों ने, यहाँ पे लोगों ने सी बाय कर लिया, अब उनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे होंगे, किसी का स्टॉप लॉस इतना होगा, किसी का स्टॉप लॉस इतना होगा, किसी का स्टॉप लॉस इतना होगा, वो सारे स्टॉप लॉस मार्केट खाती हुई आएगी, और जिसने पी कहाँ पे बाय करा था, यहाँ पे बाय करा था ट्रैपिंग के बाद में। तो ट्रैपिंग आपने होप समझी होगी, कैसे समझी होगी, मान लीजिए अब आपको थोड़ा चार्ट पे करके दिखाता हूँ मैं, ट्रैपिंग दिखाता हूँ कि क्या क्या ट्रैपिंग होती है, कहाँ कहाँ होती है। जैसे कि ये देखो, ये होती है ट्रैपिंग, अभी यहाँ पे बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा कि ये देखो इस लाइन का ब्रेकआउट हो गया, किस किस को ब्रेकआउट दिख रहा है, अब जिस जिस बंदे ने यहाँ पे ब्रेकआउट देखो, पहले इसने देखा यार अभी प्राइस नहीं गया, नहीं गया, या फिर ये भी नहीं गया, उसके बाद में एकदम से ब्रेकआउट हुआ, और ये देखो कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बन गई, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो ये इस वाले कैंडल को देख के लोगों ने क्या करा होगा, सी बाय कर लो भाई, सी बाय कर लो, क्योंकि देखो रेंज का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हुआ सी बाय कर लो, सब लोगों ने ये सोचा। बट असल में क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे ये हो गए बंदे ट्रैप, क्योंकि जिन लोगों ने सी बाय करा था उनका स्टॉप लॉस कहाँ हुआ, किसी का स्टॉप लॉस इतना हुआ, किसी का स्टॉप लॉस इतना होगा, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ तक का होगा, तो लोगों ने क्या करा, पहले वो स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट कराया, उसके बाद में देखो दोबारा ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे गया, अब बाद में लोगों ने क्या करा, दोबारा सी बाय करा यहाँ पे, क्योंकि ये लोगों को सपोर्ट लग रहा था, लोगों को लग रहा था ना ये सपोर्ट है, उसके बाद में जिस जिस लोगों ने सी बाय कराया उनका सभी का स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया और मार्केट नीचे आ गया, और यहीं पे मैंने भी पैसा बनाया था, यही इस वाली यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, और आप देख सकते हो कितना नीचे मूव आया है, अपना पैसा 10 गुना भी हो सकता था अगर आपने ये वाला मूव पकड़ा है। बट ये याद रखना, जितने भी बड़े मूव आते हैं, बिग मूव आते हैं ना, वो पहले ट्रैपिंग करके आते हैं,
यानी पहले लोगों का पैसा तो मार्केट में लेके आओ, क्योंकि देखो आपने देखा यहाँ पे पी यहाँ से अपना प्राइस ने रेजिस्टेंस ले लिया, यानी सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, सपोर्ट ले लिया, तो जब ये ट्रैपिंग नहीं हो रही थी तो हमें प्रॉफिट भी इतने छोटे छोटे हो रहे थे। देखो इतना छोटा सीई का, इतना छोटा पी का, लेकिन देखो एक बार एक ये ट्रैपिंग हुई, ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने सी बाय करा, यहाँ पे कम से कम 1-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए लोगों ने लगा दिए अपने, लोगों ने सोचा अब तो यार ब्रेकआउट हो गया, अब तो प्राइस ऊपर जाने वाला है, बट नहीं हुआ, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ पे दोबारा लोगों ने सी बाय करे, उनका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते 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 ये सारा जितना भी है ये हमने प्रॉफिट बनाया है, जिसने लर्निंग करी है और जो ट्रैपिंग को जानता है। तो होप आपको इस वीडियो में ब्रेकआउट का और अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी में कैसे सही एंट्री लेनी है वो चीज समझ में आई होगी। अब एंट्री यहाँ पे कैसे होगी, आपको नॉर्मल सा जैसे ही देखा कि यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, उसके बाद में आपने देखा नीचे ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे आप एंट्री करते पी साइड के और ये आपका टारगेट होता। सो इसी तरीके से आपको मैंने ब्रेकआउट और अपना जो नॉर्मल ट्रेडिंग में कैसे ट्रैपिंग होती है, ट्रैपिंग के बाद में हमें किस साइड का मूव लेना होता है। मान लीजिए अगर बुलिश साइड ट्रैपिंग हुई है, यानी लोगों को सी बाय करवाया है, तो मूव आएगा पी साइड, और लोगों को अगर पी बाय करवाया दुनिया को तो मूव आएगा सी साइड। ये आपको समझना पड़ेगा तभी मार्केट में पैसा बनेगा, दिस इज रियलिटी मेरे भाई। एंड जिस भी बंदे ने इस वीडियो को यहां तक देखा है, एंड तक देखा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उस बंदे ने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, एंड क्योंकि उसने वैल्यू दी है इस कंटेंट को, उसने पूरा टाइम निकाला है। सो मैं चाहता हूँ आप भी पूरा टाइम निकाल के ऐसी वीडियो देखा करो और लास्ट तक देखा करो। मेरी कोई भी वीडियो आएगी आपको नॉलेज मिलेगी, लास्ट तक देखोगे तभी मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को समझाना पड़ता है बेसिक के लिए। सो अगर आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट पावर वीडियो के साथ, तक के लिए धन्यवाद। एंड धन का अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अपने को अगर आप अपनी वाइफ का, आप अपने मदर का, किसी भी घर में फीमेल का अकाउंट बनाते हो तो 50% ब्रोकरेज तो वहीं पे हो जाती है, इसलिए मैं अपनी मम्मी के अकाउंट से यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। सेकंड चीज की सबसे मेन चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है धन की, यहाँ पे यार हमें जितने भी प्रीमियम फीचर है ना वो सारे फ्री में मिलते हैं, वो सारे फ्री में मिलते हैं, जिसके मुझे 10,000 रुपये पे करने पड़ते हैं ट्रेडिंग व्यू को, वो हम करेंगे नहीं, यहाँ पे फ्री में कर लेंगे। सो धन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसी के साथ वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आप चाहते हो कि ट्रैपिंग के ऊपर और भी वीडियो आए कि कैसे कैसे ट्रैपिंग होती है अच्छे से डिटेल में कर दूँ, कमेंट करो, तुम्हारा भाई उसी पर वीडियो लेके आता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।